अरे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, बैठ जाए कुर्सी पर। देखिए, हमारे कहने का तात्पर्य दूसरा था, आप दूसरा चीज समझिए। हमारे कहने का मतलब, आप लगाए हैं श्रीकर का अठारह डाला, हम आपसे ये पूछे कि उनका गुणवत्ता के विषय में कुछ बता दीजिए। तो हम बताते हैं कि इसका मुख्यतः रूप से चार गुण है। इसमें चार गुण है श्रीकर अठारह डाला में। पहला गुण क्या है? बड़े एवं एक समान भुट्टा। पहला गुण क्या है? बड़े एवं एक समान भुट्टा। दूसरा गुण क्या है सर? इसका सेलिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। तीसरा क्या होता है? वजनदार दाने होता है। चौथा क्या है? कम नमी होता है। ये चार गुण बताए आपको हम। चार गुण का मतलब हुआ, पहले हम बताए कि बड़े एवं एक समान भुट्टा। बड़े एवं एक समान अगर आपके खेत में भुट्टा होता है तो आपको क्या होता है? पैदावार ज्यादा निकल के आता है। पैदावार ज्यादा निकलेगा तो आपको मुनाफा क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा हम बताएं क्या? सेलिंग परसेंटेज। सेलिंग परसेंटेज हम उसको बोलते हैं जबकि हम बलरी को दाने से अलग करते हैं। हमारे सिरे का अठारह दाने में क्या है सर? एक क्विंटल अगर आप भुट्टा लेते हैं उसमें से 84 से 85 केजी अब खाना आपको ज्यादा निकलता है। तीसरा हम क्या बताए सर? कि दाने में वजन होता है। सीटी मार रहा। क्या बता? दाने में हमको नहीं आता है। हाथ में लेके देखिएगा, जो भाई बन रहा है उसको पता होगा कि दाने में इसका वजन कैसा होता है। दाना ऐसे हाथ में लीजिएगा तो पत्थर के जैसा वजन होता है। वजनदार दाना होता है। वजनदार दाना होगा तो आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। लास्ट पॉइंट हम क्या बताए सर? कम नमी। इसको आप 1 से 1.5 फुट में लगा के इसको आप दे सकते हैं। इसका 2 टेन फीट आपको निकल के आता है। क्या क्या आता है? ये पहला तो जिस समय आप इसको थ्रेसरिंग करके सुखाते हैं उस समय क्या होता है? हाय बोल दो, हाय बोल दो। आपका रेट फूटता है। क्या ऐसा होता है सर? बस 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 जाते हैं। कोई अन्न भाई के आप लगाते हैं पोल्ट्री, अगर आपका रखता है सुखाने में तो अगर एक दिन पहले देते 100 रुपया क्विंटल आपको वहां बचता है। दूसरा क्या होता है? आपको लेबर कॉस्ट जो लगता है उसमें आपको बचत होता है। तो दो तरीके से श्रीकर अठारह लगा के आप बचत कर सकते हैं। ये चार गुण हम आपको बताए जो कि मुख्य रूप से श्रीकर अठारह में पाया जाता है। हमारे पास जो है सर, तीन तरह का भी वैरायटी हमारे पास है श्रीकर अठारह। एक श्रीकर 33-66 है, एक श्रीकर 35-55। श्रीकर अठारह को लगाने का समय आपको 15 अक्टूबर से लेके लास्ट दिसंबर तक इसको बुआई कर सकते हैं। इसको किस जमीन में लगाना है जी? इसको किस जमीन में लगाना है? मटियोर, दोमट और केवाल, ये तीन तरह के मिट्टी में इसको लगाना है श्रीकर अठारह को। जहां बलवाही जमीन आपका है, सबसे कमजोर जमीन है, वहां श्रीकर का 35-55 आप लगा सकते हैं। जहां उखड़ा रोग लगता है, जहां सूखने का बीमारी है, उस हाइब्रिड में लास्ट तक आप लगाइएगा तो नहीं सूखेगा वो। श्रीकर का 35-55 जल्दी उसका उजला होगा। सर हम बोल रहे हैं, सुनिए, कहाँ लगाया तो उसको छोड़ दीजिए। हम किस जमीन का बात करें वो सुन लीजिए ना। जो सबसे कमजोर जमीन आपका है उसमें आप उसको लगा सकते हैं श्रीकर 35-55 का। हम ये बता रहे हैं आपको। और श्रीकर 33-66 हमारे पास एक वैरायटी है जो कि आप इसको अर्ली लगा के सबसे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। बीज का दाम भी कम है। इसको अर्ली कैसे लगाना है? 15 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ही आप इसको लगा सकते हो, उसके बाद इसको नहीं लगाना है। श्रीकर 33-66 इसमें आपको 80% होता है। उसमें क्षमता क्या है सर? कि अगर आपका पौधा है जिसमें भुट्टा दे दिया, हम लोग के साथ बहुत ऐसा घटना हुआ है, किसान ही आके बोलता है हम 18 डाल लेके आए। जब पन्नी देखते हैं उसमें 18 डाल लिखा हुआ है केवल, लेकिन वो दूसरी कंपनी का है, ओरिजिनल श्रीकर का नहीं है। तो उसमें पहचान क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। सबके पास लिटरेस दिया गया है, उसमें भी पहचान है, आपको इसमें भी बता रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ श्रीकर लिखा हुआ है ऊपर में,
सोलह सौ